Hi guys, welcome back to my channel. And if you are new to this channel, hi, my name is Himanshi and I would be really happy if you take a moment and subscribe to my channel down below. First of all, thank you so much. आप लोगों ने मेरी इंडिपेंडेंस डे वाली पेंटिंग को रिक्रिएट किया और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बस उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं फिर से कुछ इजी बनाने वाली हूँ। सो टुडेज वीडियो इज गोना बी वेरी स्पेशल बिकॉज आज मैं डिस्पोजेबल प्लेट्स पर पेंटिंग करने वाली हूँ। ऑल्सो गाइज, वीडियो के एंड में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ, सो वॉच इट टिल द एंड। ओके, सो मैं यहाँ पर सिल्वर कोटेड पेपर प्लेट्स यूज कर रही हूँ। ये प्लेट्स मार्केट में इजीली मिल जाएंगी। अगर आपको बेटर क्वालिटी की प्लेट्स मिलती हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 प्लेट्स हैं और मैंने 2 प्लेट्स की सिल्वर कोटिंग रिमूव कर दी थी। अब मैं फटाफट बची हुई प्लेट की भी कोटिंग रिमूव कर देती हूँ। सो सिल्वर कोटिंग हट चुकी है और अब मैं सबसे पहले बेस रेडी करूंगी एंड द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। सो फॉर दैट मैं सबसे पहले ब्राउनिश कलर अप्लाई करूंगी। अब मैं येलो कलर यूज कर रही हूँ एंड मैं उसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैंने उसमें थोड़ा सा व्हाइट कलर मिक्स किया है। ऐसे ही मैं रेड में व्हाइट मिक्स करके अप्लाई करूंगी फॉर पिंक शेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इसमें भी मैं ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ। वंस दैट इज डन, अब मैं यहाँ पर स्किन कलर अप्लाई कर रही हूँ एंड फॉर दिस आई हैव मिक्स्ड व्हाइट, येलो, रेड एंड ब्लैक। एंड मेक श्योर आप ब्लैक की क्वांटिटी बहुत कम रखें, और अगर आपके पास स्किन कलर अवेलेबल है तो आप वो यूज कर सकते हैं। मैंने जो पिंक कलर बनाया था वही कलर मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर रही हूँ। एंड वंस दैट इज डन, इट्स टाइम टू पेंट थर्ड एंड लास्ट प्लेट। उसी पिंक कलर में मैंने थोड़ा सा रेड कलर और मिक्स किया है फॉर डार्कर शेड। मैं फिर से स्किन कलर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ब्लैक और व्हाइट को मिक्स करके बनाया हुआ ग्रे कलर अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइज, दिस इज हाउ बेस लुक लाइक। नाउ आई विल यूज ब्लैक मार्कर फॉर सम एलिमेंट्स। सो यहाँ पर मैं सिंपली लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आप ब्लैक एक्रिलिक कलर यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस वेदर टू यूज एक्रिलिक कलर और मार्कर। मैं मार्कर इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आप लोग एलिमेंट्स को इजीली ड्रॉ कर पाओ। सो वंस दैट इज डन, मैं नेक्स्ट प्लेट पर एलिमेंट्स ड्रॉ करूंगी। यहाँ पर भी मैं लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ। Now it's time to draw on third plate. यहाँ पर मैं leaves के साथ rings draw करूँगी। Also guys, if you are still watching this video, then take a moment and subscribe to my channel down below. Once that is also done, I'll use bronze acrylic color for some more elements. तो यहाँ पर मैं सिंपली रिंग्स बना रही हूँ और जगह जगह डॉट्स बनाऊंगी टू फिल दैट रिमेनिंग स्पेस।
are done with this process, do let me know in the comment section which one you like the most. मुझे तो third plate बहुत अच्छी लगी. Also guys, आप में से काफी लोग एक question पूछते हैं YouTube और Instagram पर कि मैं video editing और thumbnail बनाने के लिए कौन सा software और app use करती हूँ. So for video editing I use InShot app and for thumbnail I use Canva. You can use Canva on both mobile and PC. So that's pretty much for today's video. I hope you liked this video and if you did, then like karna mat bhulna. Also guys, don't forget to subscribe my channel. See you soon in the next video. Till then, take care.